तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन को देखो, ये जनरली बच्चे डाउट में लेके आते हैं, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप कर सकते हैं इसको। कहता है कि एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, समझना इस क्वेश्चन को। एक ल्यूमिनियस अपने पास ऑब्जेक्ट है, और ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंस है ये, अपने पास एक लेंस है, ठीक है ना। चलो इमेज, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं इधर इसका इमेज बना देता हूं कि यहां पर अपने पास एक कन्वेक्स लेंस है, और ये कन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसकी प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर यू यहाँ से लेंस से दिया हुआ है, ऑन द फोक इसकी फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली प्लस ही होता है, +20 से। अदर साइड कन्वेक्स मिरर रखा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। कंडीशन ये है कि अपराइट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विथ इट, मतलब जो कन्वेक्स मिरर से जो फाइनल इमेज होगा लेंस और मिरर का, वो इसे कोइंसाइड करेगा। देखो कोइंसाइड तभी करेगा जैसे रे आई थी वैसे चली जाए, बात समझ में आया। तो चलो मान लेते हैं यहाँ एक मिरर लगा ही देते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर ऐसे वाला, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इस मिरर की जो फोकल लेंथ है, ठीक है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो है वो 10 है, तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से हाँ, इसका जो फोकल, अब यहाँ से जो रे आएगी, अच्छे से इसको समझना। अब देखो रे को हमें क्या करना है, रिट्रेस करना है। क्यों रिट्रेस करना है, क्योंकि अगर आप रिट्रेस नहीं करोगे यहाँ से, तो यहाँ से जो रे आएगी इससे, ठीक है ना, इस वाले यहाँ से जो रे आएगी अपन क्यों, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ से जो रे आएगी ऐसे लेंस पे पड़ी, ठीक है, और यहाँ से जब इस पे पड़ेगी तो ये जो रे है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसके नॉर्मल इंसिडेंट होगी, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक ना। ये जो मिरर है उसके सी पर इंसिडेंट होगी, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आ रहा कुछ समझ में? तो जब ये 90 डिग्री पे पड़ेगी, ये 90 डिग्री पे, तभी ये वापस आएगी रिट्रेस, और ऐसे आएगी तो जाके फाइनल इमेज जो है वो जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं बनेगा। बात आ गया समझ में? और जो सीधी जाएगी यहाँ से, जो सीधी जाएगी वो तो सीधी ऐसे 90 डिग्री पे जाएगी और वो भी वापस आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे कुछ। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेशन में करनी है। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस डी है एक अननोन है। सबसे पहले जो लेंस है, फॉर लेंस, जो लेंस दिया हुआ है, देख लेते हैं वो कहाँ इमेज बनाता है, क्योंकि उसका जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो लेंस के लिए 1/v -1/u = 1/f मैं लगा देता हूँ। तो लेंस के लिए देखोगे 1/v --1/u, माइनस यहाँ से 30, और 1/फोकल लेंथ यहाँ से +20। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 1/v, 1/ यहाँ से 20, -1/ यहाँ से 30, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 30, 30 -10, और यहाँ से 30 × 10, तो यहाँ से आ जाएगा -10, और यहाँ से 300, और ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आ जाएगा, एक मिनट यार, ये 20 था यार, -2 था, तो भी आ जाएगा, वो आ जाएगा +60 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो भी है +60, जो लेंस से फाइनल इमेज कहीं बनेगा, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, यहाँ से कहीं पे बनेगा, हम लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ पे बनेगा। तो जहाँ भी बनेगा ये 60 सेंटीमीटर होगा, दिस इज द 60 सेंटीमीटर, कहीं पर बनेगा। तो जो डी आ जाएगा, हमें तो डी चाहिए था, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से देखो, तो 60 जो डी ऐसे देख लो, जो 60 आया, जो 60 आया वो डी +10 के इक्वल होगा,
ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 10, मतलब ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पे अपना, क्योंकि ये जो ये है वी, ठीक है ना। तो फाइनली डी प्लस वी, दिस इज द फाइनली डी, डी जो है वो 50 सेंटीमीटर पे यहाँ से रखा होगा, ठीक है। तो क्योंकि इस पर 90 डिग्री पर पड़ी है, तो 90 डिग्री पर जब पड़ी है तो इससे वापस आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना सही है।